हाय, आज मैं बात कर रहा हूँ ब्राइट स्टार इंग्लिश मीडियम स्कूल नीलकंठ पालीगांव सचिन का। बच्चे कई बार मुझसे पूछते हैं, जब भी मिलते हैं तो पूछते हैं कि सर आप स्कूल क्यों नहीं आते हो, या फिर हम लोग ड्रेस ले लिए हैं, ड्रेस खरीदवा दिए हैं सर, लेकिन आप आते नहीं हो, तो हम लोग क्या करें। तो बेटा, मैं बताना चाहता हूँ कि क्योंकि बिना सैलरी का ना आपके पेरेंट्स काम करेंगे कहीं, और ना ही कोई कोच, चाहे डांस वाले हों, चाहे कराटे वाले हों, चाहे खुद आपके पेरेंट्स क्यों ना हों, बिना सैलरी का कोई भी काम नहीं करता है। तो बस बात यही है कि मेरे पास भी ऐसे ही था कि दिवाली के बाद जो मेरा स्कूल का सैलरी था वो सब बंद हो चुका था, सैलरी मिल नहीं रहा था सर, ऐसा है वैसा है कर करके सैलरी नहीं मिल रहा था, इसके लिए मैं स्कूल छोड़ा हुआ था। और रही ड्रेस की बात कि मैंने ड्रेस खरीदवा दिया, तो मुझे खुद पता नहीं था कि स्कूल में नहीं रहूँगा। और रही दूसरी बात कि जो भी बच्चों का मैंने पैसा लिया था ड्रेस के लिए, उनका तो ड्रेस दे दिया था, और बाकी जाते जाते मैं सबका बराबर करके ही गया था, किसी का ड्रेस रहा नहीं था मेरे पास। तो अगर स्कूल में किसी ने ड्रेस के लिए पैसा लिया है तो फिर वो पैसा मेरे पास नहीं है, वो स्कूल में है, आप लोग स्कूल से ही ले सकते हैं। और ख़ास करके मैं पेरेंट्स को बोलना चाहूँगा कि आप लोग जो फीस भरते हैं स्कूल में, साल का फीस भरते हैं, तो उसमें लगभग 1600 रुपये, 16 नहीं सॉरी 1800 रुपये एक्टिविटी फ़ीस होती है। तो एक्टिविटी फ़ीस भरी जाती है डांस के लिए, कराटे के लिए भरी जाती है कि बच्चे सीखेंगे। और अगर साल में आपके स्कूल में डांस नहीं हुआ, कराटे नहीं हुआ, या फिर उनका कोच का पैसा नहीं मिला, तो अगर 1800 के हिसाब से देखा जाए तो साल का अगर 500 बच्चों का पकड़ रहे हैं तो लगभग 9 लाख रुपये हो रहा है। तो 9 लाख रुपये आप लोगों ने भरा है, लेकिन उसका अगर फ़ायदा नहीं हुआ तो आप लोग पैसा वसूल कर सकते हैं। अगर पेपर के समय आपका पैसा बाकी रह जा रहा है, नहीं जमा कर पा रहे हैं, तो बच्चे को स्कूल से बाहर निकाल दिया जा सकता है। तो अगर ऐसा हो सकता है तो आप लोगों ने जो एडवांस फीस भर देते हैं साल का, उसमें जो भी चला जाता है फीस एक्टिविटी का, डांस का, ये सब नहीं होता है, तो पैसा आप लोग मांग सकते हैं। तो मैं यही बताना चाहता था कि जो मैंने स्कूल छोड़ा है वो सैलरी के लिए छोड़ा है, और अभी भी हमारा पैसा नहीं मिला है, डांस वाले का भी पैसा नहीं मिला है, ऐसे कुछ है टीचर भी जिनका पैसा नहीं मिला है, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बल्कि मेरे तो समझ में जितना आता था, मुझे स्कूल पीरियड में जितना भी था मुझे समझ में आता था कि जितना बच्चों को एक्टिविटी करवा देनी चाहिए, दे देनी चाहिए, जितना सिखा देना चाहिए, मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश किया कि सिखाऊँ और आगे कोशिश करता रहूँगा। बाकी अगर जिस बच्चों का फीस बाकी है, चाहे ड्रेस बाकी है, उसके लिए मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। और नेक्स्ट टाइम से आप लोग जब भी एडमिशन करवाइए, किसी भी स्कूल में करवाइए, तो इतना तो ध्यान रखिए कि जो आप फीस भर रहे हैं उसका बेनिफिट बच्चों को हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बच्चे उसका फ़ायदा उठा पा रहे हैं कि नहीं उठा पा रहे हैं। आप लोग फीस भर देते हैं, इसके बाद ध्यान देते नहीं हैं, जाते नहीं हैं स्कूल में कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो उस चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिए।